कहां जा रहा आस्वादन हुआ। विवाह होने के बाद में उस रस का ज्यादा आस्वादन हुआ कि जहां दुर्लभता थी उस रस का आस्वादन हुआ, तो उनका स्पष्ट वचन होगा कि जो आस्वादन मुख्य रूप से प्राप्त है वो आस्वादन परिक्रिया में ही है। कुरुक्षेत्र में भी जब प्रिया जी से पूछा गया कि आस्वादन कहां है, तो श्री राधिका यही कह रही है कि यह कौमार सखी स्वयं कृष्ण सखी कुरुक्षेत्र मिलता है तथा हम सारा रहा तदन मुभयो संगम सुखम तथा प्यंतर खेलन मधु मुरली पंचम जुषे मनो में वृंदा विपिन पुन्नायस प्रहयती। रस का उत्कर्ष परकिया भाव में जहां वृंदावन पुलिन था उसमें ही रस का उत्कर्ष था, इसलिए स्वकीय रूप में यहां पर श्री कृष्ण यदि मुझे स्वीकार भी कर ले तब भी कुरुक्षेत्र में कृष्ण की स्वकीय बन करके रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्याम सुंदर को जल्दी से रथ के ऊपर बैठा करके वृंदावन ले जाओ, और श्री किशोरी जी रथ यात्रा के द्वारा श्री कृष्ण को लेकर के चली आती है। तो जीव गोस्वामी जी को लिखना तो पड़ा और स्वकीय भाव की स्थापना करनी तो पड़ी, परंतु उनका मन नहीं भरा। और श्री आचार्य चरण ने श्री जीव गोस्वामी पाद ने बड़े ईमानदारी के साथ में ये लिख दिया कि मैंने स्वकीय बात की जो स्थापना की है वह परिच्छया की है। पूरी आनंद चंद्रिका की वो टीका लिखने के बाद में उपपति भाव की जो टीका है उसको लिखने के बाद में जीव गोस्वामी जी ने एक श्लोक लिखा अंत में कि स्वेच्छया लिखतम किंचित किंचित अत्र परिच्छया यत् पूर्वापर संबंधम यत् पूर्वम अपरम परम। ये था उनकी जी गोस्वामी जी की पंक्ति उनकी कलम, और उसमें ये कह रहे हैं कि कुछ बात मैंने स्वेच्छा लिखी। विश्वनाथपति ने इसी को कहीं थ्रेश आउट कर दिया, बिल्कुल इसको पकड़ लिया, और पकड़ करके विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि श्री जी गोस्वामी जी ने जो श्रीमद उत्तर गोपाल चंपू में जो राधा कृष्ण का विवाह वहां पर करवाया या भांडीरवट में जो विवाह हुआ वह परिच्छया मत है, और कुछ देर के लिए वो दिखाया गया और उसमें गोपियों को विश्वास की प्राप्ति नहीं हुई, उसमें उनको सुख की प्राप्ति नहीं हुई और गोपियों ने एक तरह से उस पूरे के पूरे रस को रिजेक्ट कर दिया। स्वेच्छया वो जो विवाह के द्वारा प्राप्त होने वाला जो दाम्पत्य सुख है उस दाम्पत्य सुख को एक तरह से वे रिजेक्ट करती हैं, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और तुलना में कहा कि नहीं हमारा चित्त श्री कृष्ण में ही कृष्ण के उस परकिया दुर्लभ नायक के रूप में उपपति के रूप में जो कृष्ण है उसमें ही हमारा चित्त लग रहा है। तो इस तरह से परम परम उपास्य परकिया भाव ही है, स्वकीय भाव श्री जी गोस्वामी जी ने जो स्थापित किया वह परमत्था और सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कि राधा कृष्ण को हाय हाय अरे मूर्खो संसार के जीवो अज्ञानियों कहीं तुम कोई प्राकृत स्त्री पुरुष मत समझ लेना, राधा कृष्ण कोई मामूली एक दो स्त्री पुरुष नहीं है बल्कि वे एक ही तत्व लीला के लिए दो हुए हैं। ये सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए तो उन्होंने स्वकीय स्थापित की, परंतु स्वकीय में रस का उल्लास नहीं है, समंजसागति में रस का उल्लास नहीं है, रस का उल्लास समर्थागति में है और वो समर्थागति श्री ब्रज में ही प्रकट हुई। तो गोलोक में जो विवाह स्थापित किया गया वह परिच्छया था, एक बात। दूसरी बात कि ये विचार करना कि भवन वृंदावन में तो परकिया है और गोलोक में परकिया नहीं है वहां स्वकिया है, ये विचार भी गलत, बिल्कुल गलत, स्वीकार करने लायक है ही नहीं। रस का उत्कर्ष क्योंकि परकिया में है तो यहां पर भी परकिया और श्रीमद गोलोक में भी परकिया। अब एक बात है इस विषय के साथ में एक कॉम्प्लिकेशन है उसको जरूर समझ लेना चाहिए। श्री प्रिया जी
जिस समय श्री निकुंज मंदिर में अभिसार कर रही है सखीगण, उस समय डर है कोई देख तो नहीं रहा है, कभी शुक्ला अभिसार का धारण करके कभी बचती हुई नूपुरों को ऊंची करके सखी के साथ में धीरे धीरे वार्तालाप करती हुई आ रही है। वहां पर भय, वारुमानता और दुर्भक्ता, ये तीनों गुण विराजमान है। परंतु जैसे ही श्री किशोरी जी ने निकुंज मंदिर में प्रवेश किया, योग पीठ में प्रवेश किया और योग पीठ में प्रवेश करके सखियों ने श्री किशोरी जी को सिंहासन के ऊपर विराजमान किया। अब अष्ट सखीगण सेवा कर रही है, तांबूल भक्त उदलताम, विशाखाम गंधचंदन, चामरे चंपकलताम, चित्राम बसंत कर्मणि, वंदे वाद्य तुंग विद्याम, इंदुलेखाम चंद्रतन, सुदेवी जल सेवायाम, रागेश्री अंगदेविका। उस समय किसी के दिमाग में ये भाव है ही नहीं कि कृष्ण के अतिरिक्त भी इनका कोई पतिमंद्य हो सकता है या हमारा कोई पतिमंद्य। उस समय केवल मातृजी ध्यान, अब यह योगपीठ का ध्यान किया जाएगा, योगपीठ के भीतर केवल मातृजी ध्यान होगा, वो परम स्वीया का ही होगा। और उस समय ये हैं और प्यारे हैं, और प्रिया को कैसे प्यारे से मिलाया जाए, प्यारे को कैसे प्रिया के साथ में मिला दिया जाए, इसके लिए ही निकुंज में पूरी की पूरी चेष्टा हो। बिल्कुल भूली हुई है कि इस निकुंज के बाहर भी कोई दुनिया है। राधा रानी को पता नहीं है कि इस निकुंज के बाहर की भी कोई दुनिया है, श्याम सुंदर को पता नहीं है कि निकुंज के बाहर कोई दुनिया है, सखियों को पता नहीं है कि निकुंज के बाहर भी कोई दुनिया है। केवल प्यारे हैं और मैं हूं, बस निहारते रहूं, प्यारे प्यारे को निहारते रहे, सेवा करते रहे, ये भाव एकमात्र विराजमान, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा भाव नहीं। जब पूरी रात्रि व्यतीत हो जाएगी, रास हो जाएगा, उसके बाद में लीला शक्ति ध्यान युगल को दिलाएंगी, उस समय ककटी बदरिया आकर के ये कहेगी कि लो ये जटिला संध्या इस समय आ गई है, प्रातःकालीन संध्या आज किसी वृद्धा के समान आ रही है। तब यार कोई बाहर की दुनिया भी है, कोई गोपी भी आ रही है, तब युगल को बाहर का ध्यान आता है। बाहर का जब ध्यान आता है तो युगल फिर उसमें भयभीत होकर के प्रवृत्त होते हैं, अन्यथा उनको ध्यान नहीं है। तो जो सहज नित्य दंपति भाव में जहां उपासना है, इसका मतलब है वो निकुंज मंदिर के भीतर योगपीठ के भीतर की उपासना है, योगपीठ के बाहर का जो प्रसंग है उस प्रसंग के साथ में उसको देखने पर जो योगपीठ की उपासना है वो और भी उल्लास को प्राप्त होगी। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। एक चित्र है, अब चित्र के चारों ओर यदि फ्रेम लगा दिया जाए तो फ्रेम सहित चित्र और एकदम क्लोजअप में चित्र, यदि जो कैमरा है उसको जूम करते हुए एक जगह क्लोजअप में ले जाया जाए तो जो निकुंज मंदिर की श्री महावाणी जी की या अन्य जो निकुंज की उपासना है वो उपासना तो कैसी हो गई, जैसे जूम किया हुआ। और जहां पर मूवी या लॉन्ग शॉट के चित्र खींचे जा रहे हैं उसमें बाहर का फ्रेम भी आ रहा है और जो मेन फ्रेम है वो मेन फ्रेम भी आ रहा है। इसी तरह से श्री गौड़ियाओं की जो उपासना पद्धति है वो लॉन्ग शॉट से कहीं जूम होते हुए केवल क्लोजअप वाले शॉट में केंद्रित हो जाना, दोनों ही भाव विराजमान है। कहीं दूसरे के जो भावना है वो केवल दूसरे श्री 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 हरिवंश महाप्रभु, श्री निम्बार्क भगवान, श्री हरिप्रिया जी, श्री स्वामी जी, उनकी जो जैसे निकुंज मंदिर की नित्य दंपति की जो उपासना है वो दंपति की उपासना जैसे जूम होते 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 एकदम क्लोजअप में स्थित हो गई हो, केवल इतना अंतर है। उपासना में आस्वादन में अंतर नहीं रहेगा, आस्वादन दोनों का कहीं एक होकर के लिए विराजमान है।
तो इस तरह से दोनों विराजमान। अब पूरे प्रकरण को केवल पांच वाक्यों में, चार वाक्यों में प्रस्तुत करेंगे निष्कर्ष रूप में। पहला निष्कर्ष ये, पहला वाक्य कि राधा कृष्ण कभी परकिया हो ही नहीं सकते। वाक्य नंबर एक, राधा कृष्ण परकिया है ही नहीं, दोनों एक ही तत्व दो रूपों में लीला करने के लिए विराजमान। दूसरा बात कि श्री राधिका का या गोपिका गणों का कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा स्पर्श कर नहीं सकता। यदि दूसरा स्पर्श करेगा या तो वो भस्म हो जाएगा रावण की तरह से। रावण केवल छाया सीता का हरण कर सकता है, मूल सीता को रावण छू भी नहीं सकता है। ऐसे ही कोई अंध पुरुष इन प्रियगोपिकाओं का स्पर्श नहीं कर सकता है। यदि स्पर्श करेगा तो या तो ये गोपी अंतर्धान हो जाएंगे या स्पर्श करने वाला भस्म हो जाएगा। दूसरा वाक्य। अब तीसरा वाक्य, जब श्याम सुंदर बंशी बजाते हैं, तीसरा वाक्य कि रस का उत्कर्ष परकिया में है, इसलिए लीला शक्ति ने इन गोपिकागणों में भाव में परकिया स्थापन किया, भावगत परकिया स्थापन किया और ये अपने आप को परकिया करके ही मानती है। तीसरा वाक्य। अब चौथा वाक्य कि जब श्याम सुंदर ने बंशी बजाई उस समय मूल गोपी तो पहुंच गई धक्का देकर के रास में और श्री श्याम सुंदर के साथ में मिल रही है, छाया गोपियों को घर में लीला शक्ति ने स्थापित कर दिया। ये चौथा वाक्य। अब छाया गोपियों को लेकर के कुछ बातें स्थापित करनी है, चार चीज माने पांचवें वाक्य के अंतर्गत फिर चार पॉइंट कहीं ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या कि मूल गोपी कृष्ण के साथ में रास में विराजमान है, छाया गोपी घर में है। दूसरी बात, घर में जो छाया गोपी है उस छाया गोपी को भी पतिमंद गोप का स्पर्श प्राप्त नहीं है, नहीं तो महाअनर्थ हो जाएगा, रसाभास हो जाएगा। जैसे यदि श्री पार्वती जी सती, पार्वती नहीं सती, यदि जानकी जी का रूप धारण कर ले तो शिव जी सती को स्वीकार नहीं करते हैं, सती को आगे आसन के ऊपर विराजमान करते हैं, अपने बराबर में विराजमान नहीं करते हैं। ऐसे ही जो छाया गोपी है उनका भी किसी दूसरे पुरुष के साथ में स्पर्श करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह दूसरा वाक्य हुआ। चौथे वाक्य के ही उपवाक्य में चार वाक्य। पहला वाक्य, मूल गोपी पहुंच गई कृष्ण में, कृष्ण के पास में, छाया गोपी घर में है। दूसरा जो सब सेंटेंस हुआ, वो सब सेंटेंस ये हुआ कि छाया गोपी को भी कृष्ण का स्पर्श, पतिमंद गोप का स्पर्श प्राप्त नहीं है। तीसरी बात कि रास में जो गोपी है उसको भी ये पता नहीं है कि मेरी कोई डमी गोपी घर में है। ये तीसरा बात, आमी न जाने गोपी कौन, कृष्ण भी नहीं जानते हैं कि मेरी इन गोपियों की कोई छाया गोपी नाम की कोई चीज है। लीला शक्ति ने कृष्ण को भी मोहित कर रखा है। इस बात का यदि आभास किसी को है तो केवल ढाई व्यक्तियों को है, डेढ़ व्यक्तियों को, ढाई को भी नहीं, डेढ़ को। पूरा पूरा आभास है अरुणमासी जी को और आधा पर्दा आभास है कृष्ण वृंदा जी को। इन डेढ़ आदमियों के अलावा और कोई नहीं जानता है कि छाया गोपी नाम की कोई चीज है, कृष्ण भी नहीं जानते, राधिका भी नहीं जानती। अब चौथा सब सब सेंटेंस उसी चौथे वाक्य का ही चौथे में चौथा कि जिस समय मूल गोपी लौट करके वापिस घर में आएगी, तखटी बदरिया ने जब याद दिलाई और जब गोपियां कुंज भंग होने के बाद में अपने अपने घर लौट करके आई, जब घर लौट करके आएंगी वे गोपियां, उस समय मूल गोपी और छाया गोपी
कभी भी मर्ज नहीं हो मिलेगी। मूल गोपी पहले से अंतर्धान हो जाएगी, छाया गोपी मन में विचार करेगी बड़ा अच्छा होगा किसी ने मुझे देखा है और मैं यहां सुरक्षित आ गई, किसी ने मुझे पहचाना नहीं है देखा नहीं है, और वो चुपचाप अपने घर के कामकाजों को पूरा कर रही है। पर व्यसनी नारी नियुक्ता ग्रह कर्मसु तदेव चिंतित अत्यंत नवसंग रसायनम, श्याम सुंदर के उस नवसंग रसायन का स्मरण करते हुए वो अपने घर के काम को जल्दी से पूरा करते हुए भी समाहित होगी, और इस प्रकार परकीय भाव बना रहेगा। पारमार्थता भय और दुर्लभता ये तीनों गुण बराबर बने रहेंगे, और बने रहने से रस का उत्कर्ष सर्वदा सर्वदा बना रहेगा। इस प्रकार ये वंशी अद्भुत होकर के विराजमान और ये परकीय भाव अद्भुत होकर के विराजमान। श्री जी गोस्वामी जी का भी निज मत परकीय ही है, क्योंकि कृष्ण तत्व के रूप में उपास्य नहीं है, कृष्ण सर्वदा सर्वदा लीला बिहारी के रूप में उपास्य है। इसलिए स्वमत परकीय में ही है, परमत उस समय की पूरी, क्योंकि विद्वानों के बीच में जाना है, और विद्वानों के बीच में आज भी जरा ब्रजवासियों के बीच में कोई कह तो दे नच लेकर के खड़े हो जाएंगे कृष्ण के अतिरिक्त राधिका का किसी दूसरे के सामने नाम नहीं लेना चाहिए, वो कभी लेना लेना मत। हाँ रसकों की बात जो है वो बात अलग है, परंतु जो ब्रजवासी भाव वाले हैं उनके सामने कोई इन गोपियों के कोई पराए गोप है उन गोप का नाम ले लो तो लठ लेकर के खड़े हो जाएंगे। अभी भी बरसाने की और नंदराम इनके बीच में आपस में विवाह संबंध नहीं होते, यहाँ पर संबंध जो है वो कन्हैया लाला है और लाल जी कन्हैया ही और श्री किशोरी जी लालजी होकर के विराजमान है, यही भाव ब्रजवासियों के हृदय में सर्वदा सर्वदा विराजमान। तो उस भाव को स्थापित करते हुए श्री प्रियालाल तो श्री जी गोस्वामी जी ने परमत के रूप में जो स्वकीयत्व है परम श्रीयत्व उसको स्थापित किया, और स्वमत के रूप में श्री जी गोस्वामी जी ने परकीय भाव ही जी गोस्वामी जी का स्वमत होकर के विराजमान है। अतः स्वेच्छया लिखितम किंचित किंचित अत परिच्छया यत् पूर्वापर संबंधम, या पूर्वम जो पूर्वापर संबंध है वो तो मेरा है स्वमत, और अपरम परम जो दूसरा बात है वो परिच्छया लिखी हुई है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय।